मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक आपके लिए ब्लॉग। यहाँ पे कुकर की सीटी मारी है तो प्लीज इग्नोर दीजिए क्योंकि खाना बन रहा है। मम्मी खाना बना रही है, छोले बना रही है। और मेरा तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देख चुके हैं। बट दी आई है और कोलकाता कोई आए और शॉपिंग ना हो, पूजे के समय में ऐसा हो नहीं सकता। तो बस दी को कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। अभी 11:15 हो रहा है और धूप इतनी तेज़ है, बट शाम को भी फिर निकलना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब आज ही का दिन है, कल सप्तमी हो जाएगा तो कल से हम लोग घूमने निकल जाएंगे, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो है आज का दिन है उसी में हम लोगों को दी के लिए शॉपिंग करनी है। तो हम लोग अभी निकलते हैं, देखते हैं अभी क्या ले पाते हैं, उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं और बंगाल की गलियों में घूमते हैं और ढूंढते हैं जो जो चीज़ें लेनी है वो मिलती है कि नहीं। तो बने रहिए और चलिए हम लोग के साथ मार्केट। खा रहे हैं हम लोग यहाँ का फेमस बापूजी केक। पता नहीं ये पटना में साथ नहीं मिलता है, दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में भी नहीं मिलता है। हम लोग पसीने से तो हालत ख़राब हो चुकी है, बट चलो कुछ तो इन्जॉय किया जाए। मजा आओ। सबसे पहले हम लोग पहुँचे कॉस्मेटिक के पहले चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दिस का ऑर्डर दिया गया था कि कोलकाता का ओरिजिनल शाखा लेके आना। तो दी ने अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए यहाँ से शाखा बुला लिया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कोलकाता का शाखा बुला कितना ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा क्लेचर लिया और लिपस्टिक वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें कॉस्मेटिक के चाहिए थी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ले रहे थे। हम लोग क्या मतलब दी ले रही थी। और ये जो मेकअप किट था, नहीं मिलता है 100-150 रुपये में बच्चों के लिए। तो दी की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसने बोला था कि उसे चाहिए, बच्चे बड़े होते हैं तो शौक़ तो उठता ही है। तो हम लोगों ने उसके लिए ये भी लिया। बस वहाँ से पूरा करने के बाद हम लोग निकले और निकल के पहुँचे कपड़े की दुकान पे, क्योंकि दी को कुछ साड़ियाँ भी लेनी थी और टॉप भी लेना था छोटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, सारी शॉपिंग की, सब चीज़ें मिल गई हम लोगों को अच्छे से टाइम से दुकान पे। तो सब चीज़ें आराम से हो जाने से मन तो ऐसे भी खुश हो जाता है। तो हम लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ें शॉपिंग की और दीदी का मतलब ऑलमोस्ट चीज़ सुबह में ही खरीदा चुका था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। एक दो चीज़ें लेनी थी इसलिए हम लोग बाहर निकले थे, नहीं तो ऑलमोस्ट 80% तो चीज़ें हम लोग ले ही चुके थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले बाहर। ठीक नहीं है ठीक लग रहा है। ये वाला उसके बाद हम लोग थोड़ा दी के लिए गाउन देखने के लिए चले गए शॉप पे। वहाँ से दी ने 2-3 गाउन देखा, उसको कुछ भी पसंद नहीं आया, जबकि अच्छा था बट उसे पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। सुप्रिया के लिए एक फ्रॉक हमें पसंद आया, बट तो काफ़ी कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा दाम बोल रहा था क्योंकि भीड़ थी और उसको तो पता ही था कि बिकना था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया।
तो उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे और वहाँ से सबके लिए हमने लिया वेजिटेबल चॉप और स्प्राइट। घर पे आके हम सब ने इन्जॉय किया उसे, क्योंकि पूरी रास्ते हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। शॉपिंग करते करते भूख लग गई थी। और ये देखिए दी का बेटा आते के साथ, इसको एकदम ज़बरदस्त भूख लगी थी, ये आते के साथ शुरू हो गया, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले मम्मी को बोला कि माँ आज आप ज़रा तेल की मालिश कर दीजिए, बहुत सर में दर्द है। तो मम्मी ने अच्छे से चंपी के एकदम अच्छे से 10-15 मिनट और मज़ा ही आ गया चंपी लेके। तो बस हमने चंपी करवाई और सुकून से जुड़ा कर लिया, क्योंकि सुबह फिर तो वॉश करना ही था। तो इसलिए मम्मी ने देखी अच्छे से चंपी की, और जब इसने देखा कि वीडियो बन रहा है तो मेरा बेटा आ गया वीडियो में, क्लिप आना चाहिए उसका भी ना, तो वो भी आगे साइड में खड़े हो गए। और हम लोग यहाँ पे बकबक कर रहे थे, तो मैं बाहर में सब मतलब दिलों से सबसे बात कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर का डाल रही हूँ, और मेरा गला थोड़ा बैठा है, शायद बारिश गर्मी हो रही है पानी चेंजेस की वजह से, तो प्लीज़ इग्नोर दिस माई वॉइस। और उसके बाद कुछ नहीं किया, बस अच्छे से चंपी किया, हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और आराम कर लिया, और किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे बेटा के क्लास लिया जा रहा है, दी सुन रही है उससे स्पेलिंग, और मम्मी ने बहुत ही मस्त चंपी कर दी है। हम लोग कल से घूमने जाएंगे, कल सप्तमी है, आज षष्ठी है, तो मैंने चंपी कर लिया है कि कल हेयर वॉश करूँगी। और इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं यही एंड करूँगी, क्योंकि कल से नया फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। ऑफकोर्स पूजा है, हम लोग घूमने जाएंगे तो उसका ब्लॉग तो स्टार्ट करना ही है। तो सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, आप लोग भी पूजा इन्जॉय कीजिए जहाँ पे हैं, और हम लोग यहाँ पे पूजा कैसे इन्जॉय करते हैं कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मेरी इतनी हंसा रही है मुझे, तो मैं इस वीडियो को और बर्बाद ना करते हुए यहीं पर रखती हूँ। बाय।